नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद में इमाम काउंसिल की ओर से एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी परमानंद झा को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा किया जाए। इमाम काउंसिल के कारी यूसुफ के नेतृत्व में ज्ञापन में कहा गया कि उन्हें कानून पर पूरा विश्वास है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को न्याय मिलना चाहिए। उनके परिवार वालों को उनसे मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा, न्यायपालिका पर सभी का पूरा विश्वास है। उचित जांच कराकर मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा किया जाए। बताते चले, मौलाना कलीम सिद्दीकी पर धर्मांतरण के गिरोह में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इमाम काउंसिल की ओर से मौलाना कलीम सिद्दीकी की आज नजीबाबाद में रिहाई की मांग की गई है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता अल्ताफ राजा की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? जी, कारी मोहम्मद यूसुफ। पद? सदर इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी। क्या मामला है? तो सर, ये बताना चाह रहे थे थोड़ा सा। 21 तारीख को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे अकाबरीन हैं और उलमा हैं हमारे, और ज़िम्मेदारों को जो है ख़ास तौर से उनके ऊपर तनकीद की जाती है और उनको पकड़ा जाता है और उनको जो है रिमांड पर लेकर के भेज दिया जाता है। तो इस सिलसिले में पूरे उम्मत के लोग इसी वजह परेशान हैं और सारे उलमा भी इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद हैं कि अगर हमारे उलमा के ऊपर इसलाह का निशाना अगर बनाया गया तो कौम के अंदर बड़ी परेशानी आएगी। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हम लोग मान हो, कायम हो। हमारे इस चीज़ के लिए उलमा भी इस चीज़ की फिक्रमंद हैं कि इत्तेफाक और इतिहाद से पूरे मुल्क के अंदर जो है रहना चाहिए और बदामने नहीं फिरनी चाहिए। किसी भी तरीके से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि फौरन हमारे मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी साहब को फौरन रिहा किया जाए। और इसी बारे में हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं और हमने जो ज्ञापन वगैरह जो एजेंट साहब को वादा किया देने के लिए, तो हम चाहते हैं कि इसका कोई मामला इस तरह ना हो जिससे कि कौम के अंदर कोई किस तरह की परेशानी पैदा हो, बल्कि अमन अमान कायम रहे। और हमारा ये हिंदुस्तानी यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है, हम इसको हमेशा चाहते हैं कि बरकरार रहे और ये किस तरह कोई परेशानी ना हो। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।